मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छोटा शिमला वार्ड में अपने परिवार सहित अपना वोट दिया। बारिश के बीच मतदान करने पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने वोट देने के बाद छोटा शिमला ढाबे में चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। विधानसभा चुनाव के दौरान अपने गृह क्षेत्र नादौन में वोट देने वाले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनाव में दिए गए वोट पर हंगामा खड़ा हो गया है। भाजपा से पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस वोट पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू नादौन में वोट देकर आए हैं, इसलिए शिमला में उनका दूसरा वोट गलत परंपरा है। भाजपा की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वोट देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा का उनका वोट विधानसभा चुनाव के लिए था। ये नगर निगम शिमला का चुनाव है और यहाँ राज्य सरकार ने हर उस व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया है जिसका शिमला में बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन है, जो शिमला में रहता है। देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो पब्लिक लाइफ में छोटा शिमला वार्ड से हुई है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज यहाँ अपना वोट डालने के लिए आया हूँ। मैं छोटा शिमला की जनता का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत में मेरा साथ दिया और दो बार मुझे यहाँ से पार्षद बनाकर भेजा। और मैं इसलिए आज अपने एक प्रत्याशी है सुरेंद्र चौहान जी, जो पार्षद के समय मुझे सपोर्ट करते थे, आज वो मेरे प्रत्याशी है। मैं इस दृष्टिकोण से भी हमारे सारा परिवार उनको वोट डालने आया है। मैंने तो ये नंबरिंग की छेड़छाड़ की बात तो पहली बार सुनी है। शिमला की जनता पढ़ी लिखी है, शिमला के कर्मचारी अधिकारी पढ़े लिखे हैं। हाथ का निशान देकर ही लोग वोट डाल लेंगे या कोई और निशान देकर दूसरी पार्टी को वोट डाल लेंगे, ये कहना कि नंबरिंग कहनी है, ये गलत बात है और ये ना उनको शोभा देता है। लोग यहाँ जानते हैं कि हमने किसके पक्ष में वोट डालना है और लोग ये भी जानते हैं कि इस बार किसको उन्होंने समर्थन देना है। तो इस दृष्टिकोण से इस प्रकार की बातें करना कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, वहाँ सिंबल नहीं होता, नाम के आगे सिंबल होता है और सिंबल को लोग नहीं जानते, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई और दूसरी तीसरी पार्टी को वोट नहीं पड़ेगा। सिंबल देख के वोट पड़ता है, विचारधारा को देख के वोट पड़ता है। और इसी दृष्टिकोण से हम जो शिमला की प्रबुद्ध जनता है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, वो सोच समझकर यहाँ वोट डालते हैं। यहाँ की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, जानती है। ऐसा है कि आप जो कह रहे हो वोट डालना अधिकार है, फ्रीडम दिया हुआ है और विधानसभा में एक ही जगह वोट डलेगा। और जो शिमला म्यूनिसपैलिटीज होती हैं, नगर पंचायत होते हैं, नगर परिषद होते हैं, पंचायत इलेक्शंस होते हैं, उसमें आपके जो जिस क्षेत्र के आप पानी का सदुपयोग करते हैं, बिजली का सदुपयोग देता है, जिस क्षेत्र में रहकर आप प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार होता है। एक जगह एक ही बार में वोट देने का अधिकार है। ये म्यूनिसपैलिटीज के इलेक्शन है, इसमें कोई वो ये ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो सुरेश भारद्वाज जी तो छोटे शिमले रहते थे, फिर कुसुमटी से क्यों चुनाव लड़े? तो ये चीज़ उनको और उनको कुसुमटी क्यों भेजा? अगर उन्होंने स्मार्ट सिटी में इतने काम करवाए तो उनको कुसुमटी क्यों भेजा? तो ये चीजें पूछने की बात है, ये राजनीति होती है, इसमें सब सवाल पूछे जाते हैं। शिमला से संजय अग्रवाल की रिपोर्ट, युगमार्ग टीवी।